उस खबर का जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे बिहार को झकझोर रखा है। खबर गया गैंग रेप कांड से जुड़ी हुई है, जिसमें सियासत की गंदी चाल ने सबको शर्मसार कर दिया है। आरोपों के घेरे में हैं आरजेडी के 6 नेता, जिन्होंने रेप विक्टिम की पहचान करके सबके सामने जाहिर कर दी। इन सभी नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गया गैंग रेप पर शर्मनाक सियासत, पीड़ित लड़की की पहचान उजागर, आरजेडी नेताओं पर मामला दर्ज। पहले दुष्कर्म का दंश झेला और अब सियासत दानों की ज्यादती का सामना करना पड़ रहा है। गया गैंग रेप कांड के दोषियों को सजा कब मिलेगी, ये तो बाद की बात है, पर जिस बेशर्मी से राजनेता इस मामले में अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उसने पूरी इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि आरजेडी के कुछ नेताओं ने गया गैंग रेप की पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर कर दी। पीड़ित लड़की नेताओं के सामने गिड़गिड़ाती रही और सैकड़ों की भीड़ के सामने आरजेडी नेता उससे सवाल पूछते रहे। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित लड़की की पहचान उजागर करने के आरोप में आरजेडी के 6 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूर्व सांसद आलोक मेहता, आरजेडी महिला सेल की अध्यक्ष आभा लता, बेलागंज से आरजेडी विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी के जिलाध्यक्ष निजाम आलम और महिला आरजेडी के जिलाध्यक्ष सरस्वती देवी के नाम शामिल हैं। आरजेडी के इन सभी नेताओं पर पुलिस ने मगध मेडिकल थाना में आईपीसी की धारा 114, 147, 353 और 228 ए के तहत मामला दर्ज किया है। आरजेडी के लोगों ने जाकर के जिस प्रकार जीप में से उस महिला को, बच्ची को उतारा है जबरदस्ती और सार्वजनिक रूप से उसका बयान दिलवाने, उसकी पहचान उजागर करने का काम किया है, ये राजनीति की न्यूनतम प्रकाष्ठा है। गया की घटना में जो राजद नेताओं की संलिप्तता जिस ढंग से आई है, वह बताता है कि राजद का लंपटीकरण है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तेजस्वी यादव जुबान खोलिए और अपने दल के विधायक पर कार्रवाई करके दिखाइए। उधर पीड़ित लड़की के पिता गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक सारे आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। अब तक 3 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हो पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की अपील करते हुए मांग की कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल नरेंद्र मोदी जी हस्तक्षेप करें और बिहार में राष्ट्रपति शासन, इसके लिए अविलंब मीटिंग बुला करके ऐसे जो तत्व हैं उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बेशक ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, पर उन नेताओं का क्या जो गैंग रेप की इस घिनौनी घटना पर भी सियासत से बाज नहीं आ रहे। पटना से शैलेंद्र और आशुतोष के साथ ब्यौरा।